जिसके बीच हुआ मामला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां पुलिस अधिवक्ताओं पर गंभीर आरोप लगा रही है, तो वही अधिवक्ता भी पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में अधिवक्ताओं के द्वारा दिल्ली पुलिस के खिलाफ राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। दिल्ली की घटना के बाद अधिवक्ता ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं कि मुरादाबाद जनपद में अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस तरह से अधिवक्ताओं की आए दिन हत्या की जा रही है, उससे स्पष्ट है कि शासन द्वारा अधिवक्ताओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे। अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस के द्वारा पहले भी अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी शासन द्वारा कोई कड़ा नियम नहीं बनाया गया। अधिवक्ताओं के द्वारा भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि जल्द से जल्द अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित की जाए और 30,000 कोर्ट में पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए फायरिंग से जो अधिवक्ता घायल हुए हैं, उन्हें यथाशीघ्र 10,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा गया है।